अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू पीके गेमिंग जोन यूट्यूब चैनल। सो आज हम अगेन से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर 2023 और ये हमारी इस गेम प्ले का एपिसोड नंबर 12 आई थिंक, मतलब 12 नंबर है इस गेम प्ले की सीरीज का। सो आज हमने इसको न्यू अपडेट को इंस्टॉल किया है जो कि 0.1.8 है, जिसमें दो न्यू कार्स को इंट्रोड्यूस करवाए गए, एक BMW का वेरियंट है और एक वॉक्सवैगन का वेरियंट है। सो आज का हमारा टारगेट है इन दोनों व्हीकल्स को, इन दोनों कार्स को बाय करना, फिर उनको मैक्सिमाइज करना, फिर उनको स्पीड टेस्ट करना उनकी, और उसके बाद उनको सेल करना और देखते हैं कि वो कितने में बाय होती हैं और कितने में सेल होती हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस गेम प्ले को बाय क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू बटन। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं हमने अपनी जो रेयर कार GTR थी वो डे नंबर 200 को फाइंड की थी जो कि थर्सडे बनता है। तो हम स्टार्ट करेंगे अब डे नंबर 201 से। सो जाते हैं अभी। ओके, तो गुड मॉर्निंग और ये है हमारा डे नंबर 201 और आज है फ्राइडे। सो आज हम जाएंगे मार्केट प्लेस पर भी और इसके बाद जाएंगे हम नेबरहुड पे भी, बल्कि इस वक्त मैं नेबरहुड में मौजूद हूँ तो नेबरहुड में हम फाइंड करेंगे दोनों कार में से जो भी मिलती है हमें। सो चलिए बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हमें अगर वो कार यहाँ पर मिलती भी है या नहीं। हम अपनी GTR में जाएंगे उसको फाइंड करने के लिए। सो हमारे वर्कर ने जो है ऑफिस भी क्लीन कर दिया। ओके, ये कौन सी कार है? लेट्स सी, आई थिंक BMW Z3 है ये गाड़ी। BMW Z3 है, BMW Series 1 है ये? नहीं, ये नहीं हमने लेनी, हमने फाइंड करनी है या तो, सॉरी माई मिस्टेक, क्योंकि इसका इधर पैनल। ओके, तो फाइंड करते हैं यहाँ पर, देखते हैं। ये कौन सी है? ये भी आई थिंक BMW Z3 ये टाइप के या Series 1 है। लेट्स सी, इसको देखते हैं। हाँ, Z3 है ये भी। यार इस गाड़ी की पिक बहुत ज़बरदस्त है। ओके, यहाँ पर भी ये तो मेरे ख्याल में मस्टैंग है और ये वैगन है। चलो इधर देखते हैं अब इस साइड पे, एंड यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं है। ओह शिट, एक्चुअली इस गाड़ी की पिक बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल क्लोज पे भी वो डैमेज हो गई है। तो अब राइट साइड पर जाते हैं और देखते हैं, अगर यहाँ पर भी नहीं मिलती तो फिर हम मार्केट प्लेस पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर भी एक गाड़ी खड़ी है। लेट्स सी दिस वन, ये तो मेरे ख्याल में कोबाल्ट है। ओके, ये भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। सो अब हम चलते हैं मार्केट प्लेस पर। और इधर से तो आई थिंक पहले आएगा, नहीं पहले मार्केट प्लेस ही आई है। ठीक है, अब होपफुली यहाँ से हमें दोनों में से एक मिल जाए, दोनों भी मिल सकती हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। आई थिंक ये वाली नहीं, हाँ यही है। देखा वॉक्सवैगन गूफ, ये है जी, ईयर 2011 की गाड़ी है और 118,513 किलोमीटर चली है, ऑटोमेटिक है और इसकी प्राइस आस्किंग 19,243 है। सो 19,243 की प्राइस है, बार्गेन करते हैं इसको 14,000 ऑफर करते हैं। ऑफर इज वेरी लो, ओके नो प्रॉब्लम, 15,000 ले लो। ओके, चलो 17 ऑफर जो है वो अच्छी है, इस पर दे देंगे।
ओके, तो पहली गाड़ी हमें मिल चुकी है, अब इसको मेंटेनेंस की इसके बजाय मेंटेनेंस पे फिलहाल भेज देते हैं, बाकी देखते हैं। यहाँ पे फरारी है, मैं खरीद सकता हूँ फरारी को भी, लेकिन फिलहाल मुझे वो फाइंड करनी है दूसरी गाड़ी। ये वो है बकरेकर है, ये कौन सी है, G5 या RDS4। ओके, ये तो टेस्ला है, ये वो डेवंडा टाइप है। ओके ओके, ये ओके ऑडियो ओके, तो कोई नहीं है यहाँ पे। फरारी को ले चलते हैं, इसको सेल करेंगे, 351 डिमांड है, तो मैं इसको 300,000 ऑफर करता हूँ। ओके मिल गई, मैं इसको 5 तक सेल कर दूंगा, तो इसको भी भेज देते हैं, क्योंकि मेरे पास अपनी गाड़ी यहाँ पे है। और इसके अलावा दोनों जो बक क्रैकर्स हैं ना, फिलहाल मैं वो भी ले लेता हूँ। बकरे का कितने की है ये, 66 की, तो 58,500 में दे देगा ये, क्योंकि डैमेज भी है ना। ओके डन, इसको हम भेज देते हैं यहाँ पर। और दूसरी बकरे का यहाँ पे है, ये भी ले लेते हैं। वाओ, 84% डैमेज है ये, 56 डिमांड कर रहा है, तो 45,000 में ये दे देगा, 47,000। ओके, इसको भी रिपेयरिंग के लिए भेज देते हैं। ओके, अब चलते हैं, और तो कोई गाड़ी चाहिए नहीं यहाँ पे, सो अब चलते हैं अपने ऑफिस। और डेफिनेटली कल ऑक्शन होगा, तो कल सबसे पहले हम देखेंगे इसको। अरे यहाँ पे मेरी गाड़ियाँ, अरे ये मैंने परचेज करी थी ऑक्शन से, जब मुझे वो मिली थी GTR, तो इसको मैंने ऑफिस में खड़ा करता हूँ ताकि वो क्लीन कर दे इसको। मैंने इसको अपग्रेड किया है ना। हाँ अच्छा, ये कभी कभी जो है ना, ये यूनिफॉर्म चेंज करके गंदा यूनिफॉर्म खुद ही पहन लेता है, तो इस बारे में परेशान नहीं होना आपने, अगर आप इस गेम को खेल रहे हैं। ये कभी कभी खुद ही यूनिफॉर्म चेंज कर लेता अपना शायद वो साफ कर करके गाड़ियां गंदा हो जाता ना यूनिफॉर्म, तो इसलिए वो कहता है कि यार जब गाड़ियां ही साफ करनी है, तो सूटेड बूटेड होके साफ करने की क्या जरूरत है। अब देख सकते हैं कि वो शावर यूज कर रहा है, इसका मतलब है वो मैक्स आउट है। ओके जी, तो दोनों बकरेकर को हम लगाते हैं रिपेयरिंग पर, और उसको भी रिपेयर करेंगे, वो जो गाड़ी हमने ली है वोक्सवैगन अभी फिलहाल हमें मिली है, तो इसको भी रिपेयरिंग पे लगा देते हैं। 85% डैमेज थी गाड़ी, सो अब लेकर आते हैं हम उन गाड़ियों को जो जो वहां पर हमने खड़ी की थी। ओके, इन तीनों को टो पे भेज देते हैं, 1, 2 एंड 3, और अपनी मिज़दा में हम बैठ के चलते हैं मजदा में। ओके भाई, इसको भी साफ कर ही दो। अगर इसकी क्लीनिंग का मे भी XP मिलना शुरू हो जाए, तो दैट विल बी ए गुड थिंग, अदरवाइज ये XP को ज़ाया करेगा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ XP मिला करेगी जो गाड़ी हम बाहर खड़ी करेंगे ना ऑफिस से, उसको वॉश करने पे। ऑफिस के अंदर जो भी गाड़ी खड़ी होगी उसको ये वॉश कर देगा बंदा, एक्चुअली एम्प्लॉई हमारा। अच्छा, मैंने इसका नाम भी चेंज किया अपने इस स्टोर का, मतलब शोरूम का, तो अब इसका नाम पाक आटोज है, पहले ये PK आटोज था। सो अगर आपको ये नज़र आए तो परेशान नहीं होना, मैंने चेंज, मैंने आई थिंक बताया था लास्ट लाइव स्ट्रीम में ये।
ओके, ये कौन सी है गाड़ी? लॉर्ड क्लासिक। तो आज का हमारा काम बस इतना ही है कि गाड़ियां फाइंड करनी है। तो गाड़ी हमने पार्क कर दी है इतनी देर में, वो किधर गई गाड़ी? वोक्स वैगन कौन सी है यार? नहीं ये नहीं है, ये है ना। हाँ इसको लेके चलते हैं। वैसे इसकी पिक जबरदस्त है, इसकी पिक अच्छी है वैसे, और इनको पेंट वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। इसको रिपेयर करवाते हैं। ओह दो गाड़ियां लग भी गई, दोनों सेम गाड़ियां रिपेयरिंग करने लगी हैं। जल्दी करो यार। अच्छा इतनी देर में इसको मैं पेंट वगैरह करवा लेता हूँ। कौन सा पेंट इसमें करवाएं? ग्रीन होगी या दोनों? तो इसको भी ग्रीन, देखते हैं इस पर कौन सा कलर सूट करता है। वैसे पार्ट्स में देखें तो 55 नहीं, इसको एंड इस पे इधर रखते हैं। ये कलर और थोड़ा सा एंड ये, आई थिंक इस वेरिएंट में वेरी ग्रीन ग्रीन हमारा ट्रेडमार्क है, ये ठीक है। तो हो गए, इसको थोड़ा सा पॉलिश भी करते हैं ताकि थोड़ी सी गाड़ी चमक जाए। ओके अब इसको रिपेयरिंग के लिए भेज देते हैं, फिर इसके बाद इसकी ट्यूनिंग भी करवाते हैं। और इतनी देर में मैं बाकी जो गाड़ियां लगी हैं उनको सेल पॉइंट पे लगाता हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे नंबर 202, और आज है सैटरडे, और आज हम अगेन फाइंड करेंगे नेबरहुड में उस गाड़ी को। तो मैं रात को सारी गाड़ियां मैंने सेल पे लगा दी थी और अपनी मजदा 7 में आ गया था अपने ऑफिस घर पे। सो अभी हम चेक करते हैं यहाँ पर, अगर हमें कोई गाड़ी मिलती है तो BMW का जो वेरिएंट है, या फिर उसी गाड़ी का दूसरा वेरिएंट मिलता है। ये तो आई थिंक कोबाल्ट, आई थिंक ये शेवरलेट कोबाल्ट है। हाँ ओके चलो देखते हैं। फिर आज ऑक्शन भी है वैसे भी, तो ऑक्शन में भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये तो ट्योटा एवरॉन आई थिंक, तो चलिए देखते हैं। ये कौन सी गाड़ी है? ये कौन सी है? अच्छा हाँ होंडा स्ट्रैप है या पहिया कार्निवाल, हाँ उन दोनों में से। और ये लॉर्ड मस्टैंग है। सो मैं ऑफिस में आ चुका हूँ और दूसरी गाड़ी मुझे ना ही ऑक्शन में मिली है और ना ही नेबरहुड में। तो अभी मैंने ऑफिस को ओपन किया है और जो वोक्स वैगन हमें मिली है उसको हम अभी रिपेयर करने लगे, ट्यून करने लगे। यहाँ पे रात को मैं खड़ी कर गया था। ओके तो रेसिंग किट भी, ड्रिफ्ट किट भी, TCS, ESP, टर्बो सब कुछ लगता है इसमें। सस्पेंशन इसका थोड़ा सा हम ऊपर उठाएंगे, और प्लेट में डेफिनेटली PKG जोन, ये इसकी नंबर प्लेट। और ठीक है एंड ये वाली। ओके तो ये गाड़ी अब रेडी है टेस्ट करने के लिए। अब इसका हम स्पीड टेस्ट करते हैं, अगर इस दौरान कोई कस्टमर, ओके कस्टमर आ चुके हैं, लेट्स हैंडल द कस्टमर्स फर्स्ट। सो हमारा मोटो है प्रॉफिट देंगे तो ठीक है, जितना भी होगा। अब ये तो प्रॉफिट नहीं दे रहा है, देखें ना 16,000। अच्छा दे रहा है ठीक है, एंड मैंने इसको 25 ऑफर लगाए थे, 16,000 दे रहा है। तो अगर मैं इसको 20,000 बोलूँ, अगर लेती है तो, सॉरी कस्टमर लेता है नहीं, तो ठीक है ले जाओ यार। ओके फरारी का कस्टमर 3,45,000, 45,000 यार इतना तो कम नहीं है।
सो 500,000 एटलीस्ट। ठहरो, नहीं ये कौन बकरी कर लेने आया। ओके 73, ठीक है सर। कितनी लगाई है यार इसने, चलो दे देते हैं इसको भी 345। ले जो ले जो। ओके सो 19 यानी कि 17, ठीक है। छोटा अमाउंट मैंने लिया है 33,000 की, तो 47 दे रही है, ठीक है ले जाओ। 40 की लिए मैंने, मतलब 41 की लिए, 59 दे रही है, ओके ले जाओ। और ये मैंने लिए 47,000 की, 94 दे रहा है, ओके ले जाओ। ओके पिक किया, अब चलते हैं इस गाड़ी को टेस्ट करते हैं। सो इसके लिए हम चूज करेंगे डेजर्ट वाला, और देखते हैं कि इसकी मैक्स स्पीड विद एंड विद एंड विदाउट नोज क्या रहती है। छुट्टी कर गई है, चलो डेजर्ट वाले पे चलते हैं। ओके अब हम इसका टेस्ट करते हैं विदाउट नॉस, फिर वापसी पर विद नॉस। ओके स्पीड रिकॉर्ड 1 है। हमने जीटीआर को टेस्ट किया था ना, उसका इसका हो सकता है। 100 जो है इसने 9.6 सेकंड में 100 किया है, तो देखते हैं इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है। अगर तीसरे में ये 160 जा रही है, तो मेरे ख्याल में इसकी 250 होगी, 250 270 इतनी होगी इसकी स्पीड। फोर्थ गियर कब लगेगा? अरे ये तो इतने में इतना मुश्किल कंट्रोल हो रहा है इसका। ओके ओके सो 235 इसकी मैक्स स्पीड है। अब हम चेक करते हैं इसको विद नॉस। अभी भी 9.6 थोड़ा सा फर्क पड़ा, मैं 9.7। तो खैर ये स्पोर्ट्स कार तो है नहीं है, तो इसका ये तो इतना ही रहेगा, 235 ये थी। अरे ये पेट्रोल तो नहीं खत्म हो गया, लॉस नहीं लग रहा इसको, ये क्या? मजा नहीं आया, फजूली गाड़ी है। तो हम वापस आ चुके हैं, तो ये फजूल गाड़ी है, कोई इतनी खास नहीं है।
अब हम चल के सोते हैं क्योंकि रात अब गाड़ी तो दूसरी वाली मर्सिडीज तो नहीं मिली। यार इसकी हैंडलिंग बहुत मुश्किल है। मैंने इस पे आई थिंक इस पे मैं ड्रिफ्ट की टर्निंग पर किया। किधर जा रहे हैं? कंटेनर में ही चल के सोते हैं फिलहाल। मे बी ड्रिफ्ट किट की वजह से कम स्पीड थी। तो अगर आप ये गेम खेल रहे हैं और इस अपडेट पर हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपने इस गाड़ी को अगर फाइंड किया तो कितनी इसकी मैक्स स्पीड थी विद रेसिंग किट। तो सोते हैं हम कंटेनर में ही आज। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे नंबर 2 और 3। और आज संडे है और आज मार्केट प्लेस ओपन है। दैट्स गुड। तो सबसे पहले हम नेबर्स में चलते हैं क्योंकि नेबर्स पास ही है। तो यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं दूसरी वाली मर्सिडीज जो है। अगर मिलती है तो उसको तैयार करके फिर उसको भी टेस्ट करते हैं। अरे यहाँ पे टोयोटा एवरॉन ही है ना। हाँ यहाँ पे ये लास्ट टाइम भी यही वाली खड़ी थी गाड़ी। ओके तो यहाँ पे देखते हैं ये यही वाली थी नहीं गाड़ी। हाँ एक और मिल गई। चलो इसको भी खरीद लेते हैं। और ये 15,000 की है तो इसको 10,000 ऑफर करते हैं क्योंकि 85% डैमेज है ये गाड़ी। अरे चलो 12,000 ले लो। 13,500। ठीक है अब इसको भेज देते हैं रिपेयरिंग के लिए। सो हमें एक और गूफी कार मिल गई है। तो ये डोज चार्जर आई थिंक या लेट्स सी ये कौन सी है। आई थिंक डोज चार्जर ये। हाँ ये वाली नहीं लेनी है हमने। दूसरी कौन सी है? अब चलते हैं हम सुपरमार्केट। सो हम मार्केट आ चुके हैं। यहाँ पर फरारी है, टोयोटा एवरॉन है, लॉर्ड क्लासिक लैम्बोर्गिनी है और यहाँ पे है ये सुप्रा। तो ये तीनों गाड़ियाँ तो फिलहाल हमें लेनी है। इनको परचेज करते हैं फिर देखते हैं बाकी क्या करना सीन है। फरारी 351 जी है तो अगेन 300,000। गुड चॉइस आई नो। ओके ये कौन सी है? ये तो BMW सीरीज 5 है। ये लैम्बोर्गिनी है ये भी ले लेते हैं। ये 5 लाख की होगी आई थिंक। हाँ 5,56,000। सो इसको हम 500,000 बोलते हैं। 5 लाख ठीक हो गया। ये भी इसको भी भेज देते हैं। और तीसरी ये सुप्रा 62% डैमेज है। 50 डिमांड है तो मैं इसको 39,500 ऑफ करता हूँ। सो 41,500। इसको भी भेज देते हैं। और ये कौन सी है जी? ये कौन सी है? NG5 नहीं, NG5 नहीं लेनी। अच्छी अच्छी गाड़ी है ये भी बट मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे नहीं है वो गाड़ी। ओके
ओके तो सोते हैं चल के। गाड़ियां तो हमने लगा दी हैं, एक और हमें वॉक्स वैगन मिल गई है, तो क्या करें आप, इनको अंदर पार्क कर जाए। ओके चल के अब उनको रिपेयर करवाते हैं जो गाड़ियां हमने बेची थी, एक सुपरा बेची थी और एक यही वाली गाड़ी वोक्स वैगन। ओके रिपेयर कर दो इसको, इसको भी रिपेयर कर दो। तो मीन टाइम हमें तो वो दूसरी गाड़ी भी मिली नहीं है, इसको भी पार करते हैं, अभी हम पैदल ही फाइंड करेंगे उसको। सो मैं मिलता हूँ आपको, उसको फाइंड करके देखते हैं हमें कहाँ से मिलती है ये। तो इसको भी फिलहाल कलेक्शन में ही ऐड करते हैं। ओके तो मैं मिलता हूँ आपसे जब मुझे वो गाड़ी मिल जाती है, और देखते हैं किस दिन मिलती है और कहाँ से मिलती है। गुड मॉर्निंग, और आज है डे नंबर 205, और 204 को हमने स्किप कर दिया क्योंकि मंडे था, और मंडे वाले दिन ना ही कोई ऑप्शन ओपन होता है ना ही मार्केट प्लेस ओपन होती है। ऑल दो नेबरहुड में गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन मैंने कहा चलो इसको भी स्किप करते हैं, तो मंडे को मैंने स्किप कर दिया और आज ट्यूजडे है। तो चलिए देखते हैं कि हमें कोई गाड़ी मिलती है नेबरहुड में या नहीं। सबसे पहले हम मार्केट प्लेस चलते हैं, तो यहाँ से हम लेंगे बस को, और क्योंकि गाड़ी मैंने उधर खड़ी की, और यहाँ से आएंगे मार्केट प्लेस पर। ओके तो मार्केट प्लेस में ये सबसे पहली गाड़ी कौन सी, ये वही तो नहीं है नहीं। ओके तो ये कौन सी है, फोर्ड ऑक्टेविया, और ये बीएम लॉर्ड लोकस, और ये BMW सीरीज 1 या सीरीज 5 है। ओके और ये कौन सी है, रेडा हैचबैक है, ये भी हैचबैक है, और ये कौन सी है, स्टेशन वैगन, और ये तो मुझे पता है शेवरलेट है ये। ओके ओके बकरी वगैरह। ओके तो मार्केट प्लेस में तो ये अवेलेबल नहीं है, तो चलिए वापस नेबरहुड में चलते हैं और वहाँ पे ढूंढते हैं इसको। सो नेबरहुड में हम आ चुके हैं, तो तलाश करते हैं यहाँ पे गाड़ियों को। गाड़ियों को नहीं, बेसिकली एक ही गाड़ी हमें चाहिए, जो BMW का वेरिएंट नया जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है इस अपडेट में, ये ऑडी TT है, ये सुप्रा लगी है इधर, और ये कौन सी है, तो सुप्रा तो हमने लेनी है। लेट्स सी कितने की है, 58 की, तो 52,500 ऑफर करते हैं इसको। ओके इसको भेज देते हैं टो पे, और ये ऑडी TT भी मेरी फेवरेट गाड़ी है, ये भी ले लेते हैं, और उसके बाद चल के सोते हैं। ओके तो दूसरी साइड पे बैक साइड पे चल के देखते हैं पहले। ये तो नहीं है, नहीं आई डोंट ऑडी S5 ये नहीं, नहीं
ये वाली कौन सी है? S4। ये तो मेरे हेलमेट क्यूट है, एवरॉन है। ओके तो और कोई नहीं है तो वापस हम घर पे चलते हैं और नेक्स्ट डे मैं आपको मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग एंड ये है हमारा डे नंबर 206 और आज वेडनेसडे है। सो सबसे पहले हमने फाइंड करना है नेबरहुड में, फिर उसके बाद ऑप्शन में जाके देखेंगे। तो यहाँ पर नेबरहुड में देख लेते हैं पहले, पैदल ही देख रहे हैं। ये गाड़ी कौन सी है? ये होंडा सिविक है, ये टेस्ला है, ये कौन सी है? शेवरलेट कोबाल्ट आई थिंक। उसके बाद हम ऑफिस चलेंगे और देखेंगे कि जो ऑक्शन है उसमें कौन कौन सी गाड़ी है। अभी तो टोयोटा एवरॉन है। ओके ये भी आई थिंक टेस्ला है, टोयोटा एवरॉन है। तो यहाँ पर भी ये टोयोटा एवरॉन ही है। ये कौन सी है? Z3A। चलो यार अब चलते हैं ऑक्शन पर और वहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले ऑफिस में जाएंगे, वहाँ से गाड़ी लेंगे और ऑक्शन में चेक करेंगे कि कौन कौन सी गाड़ियाँ, और ऑक्शन जो है वो 1 बजे स्टार्ट होने हैं। अभी तो 9 बजे हैं। ओके तो मैं ऑफिस आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं ये जो 2 गाड़ियाँ ली हैं मैंने इनको लगाते हैं अंदर ताकि ये इनको वॉश कर दे। अरे दो उधर भी खड़ी है। सो चलते हैं अब जाके ऑक्शन में चेक करते हैं कौन सी गाड़ियां हैं वहां पे ऑक्शन में। ओके आई थिंक ये टोयोटा है। ये ट्रक है और ये भी टोयोटा या क्या कहते हैं उसको, टेस्ला है। और यहाँ पर फरारी है। तो ऑप्शन में भी वो दोनों गाड़ियाँ वो BMW नहीं है। तो जो हमने रिपेयरिंग के लिए गाड़ियाँ दी थी दो होगी होगी रिपेयर, इसको पेंट तो नहीं कराना, इसको भी पेंट कराना। तो खैर इसको भेज देते हैं टोल पे दोनों को। तो ऑक्शन में भी नहीं है गाड़ी आज, तो क्लोज करते हैं और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट। अभी जाके कंटेनर में सोते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे नंबर 207 और आज थर्सडे है। सो आज भी ऑक्शन है जो 12 बजे है। तो सबसे पहले हम मार्केट प्लेस का थोड़ा सा विजिट, सॉरी मार्केट प्लेस नहीं, नेबरहुड को देखते हैं, फिर ऑक्शन में जाके देखते हैं अगर कोई गाड़ी ऐसी हुई जो हमें समझ ना आई कौन सी है तो फिर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो BMW ही हो। तो हैर एनीवे ये तो ऐसे ही है। ओके यहाँ पर नहीं है,
ये भी नहीं है। ये तो खाली है, यहाँ पे तो की गाड़ी ही नहीं लगी। यहाँ पे भी कोई गाड़ी नहीं है। ओके, तो चलिए ऑक्शन में देखते हैं और फिर चल के सोते हैं अपने कंटेनर में। आके सोते हैं, चल के नहीं, आके सोते हैं। मेरे पे अनपेड बिल्स भी हैं, लेकिन बिल्स मैं बाद में पे करूंगा जब गाड़ी मिल जाएगी। ओके, आ गए हैं। चेक करते हैं कौन कौन सी गाड़ी है। ये तो मेरे ख्याल में यही वाली गाड़ी है जो वोक्स वैगन है। ये कौन है? अच्छा, ट्रक है और फरारी है। तो यहाँ पर भी नहीं है आज भी, तो चल के सोते हैं कंटेनर में। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे नंबर 208। और आज फ्राइडे है और आज मार्केट प्लेस ओपन है, तो सबसे पहले हम विजिट करते हैं नेबरहुड को, क्योंकि नेबरहुड में ही हम नज़दीक ही हैं। और उसके बाद हम विजिट करेंगे मार्केट प्लेस को। तो कोई गाड़ी नहीं है, ये आई थिंक टेस्ला है, ये होंडा सिविक है, ये बीएम लॉर्ड लोकस है, ये सुपरा है। जी चलो सुपरा तो ले लेते हैं। एंड सुपरा को हम खरीदेंगे 56,500 में। ओके, सो आई थिंक नहीं है इसमें भी मार्केट प्लेस में। अब चल के देखते हैं, पहले राउंड एक और लगा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी तो कोई हो सकती है गाड़ी, नहीं स्टेशन वैगन है। तो चलिए मार्केट प्लेस पर चल के देखते हैं आप। ओके, तो मार्केट प्लेस में हम आ चुके हैं और यहाँ पे है पहले शेवरलेट है और ये टोयोटा एवरोन है। रॉन्ग की है। ओके, ये नहीं ले, ये सिट्रियन A4 है, ये फरारी है, ये तो लेनी है गाड़ी। चलो इसको पहले खरीदते हैं फिर देखते हैं बाकी गाड़ियों को भी। तो 357 मांग रहे हैं, 3,15,000। इसको रिपेयर पे भेज देते हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बकरे घर है, ऑडी टी टी है, ऑडी टी टी भी ले लेते हैं। 3,632,500। इसको भी बेच देते हैं। उसके बाद ये भी नहीं है, ये कौन सी गाड़ी, ये है ना, हाँ BM Series 1 है। तो हमें आज भी गाड़ी नहीं मिली, तो कल दोबारा से देखते हैं, चलते हैं अब नेबरहुड में जाके सोते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे नंबर 209। और आज सैटरडे अगेन, आज ऑक्शन है। सो आज मैं एक और काम करूँगा, मैं ऑक्शन की बजाय मैं आज एक ट्रिक यूज़ करूँगा जिसकी मदद से मैं गाड़ी को फाइंड करने की कोशिश करूँगा नेबरहुड में।
क्योंकि ज़्यादा चांसेस इस गाड़ी के नेबरहुड में ही है। तो ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप गेम सेव करेंगे, सेव करने के बाद उसको सारी पहले गाड़ियों में चेक कर लो, तो यहाँ पे तो नहीं है गाड़ी, यहाँ पे देखते हैं अगर नहीं मिलती तो फिर हम ट्रिक यूज करते हैं। ये होंडा फंडा है, ये कौन सी हैचबैक है, रेड हैचबैक। ओके तो ये कौन सी है, आई थिंक होंडा फंडा टाइप है, फोर्डर है। ओके तो मैं ट्रिक क्या यूज करूंगा, मैं इसको पहले गाड़ी से एग्जिट होता हूँ, एस्केप प्रेस करूंगा, सेव करूंगा, तो जब गेम सेव हो जाएगी तो मैं मेन मेन्यू में जाऊंगा और वहां से दोबारा गेम को कंटिन्यू करूंगा। तो यही ट्रिक मैं बार बार यूज कर देखता हूँ कि यहाँ पे कौन गाड़ी लोड होती है या नहीं। गुड मॉर्निंग, और आज है डे नंबर 211 और आज मंडे है, और अगेन आज ना ही ऑक्शन है ना ही मार्केट प्लेस है, लेकिन हम जो है चेक करते हैं इसको नेबरहुड को। तो यहाँ पर एक और हमें सुपरा मिल गई है, तो सुपरा हम ले लेंगे, सुपरा हमने नहीं छोड़नी, काफी सुपरा मैंने इकट्ठी कर ली है इन दिनों में। ओके ग्रेट डील, तो इसको हम बेच देते हैं टो पे। ओके आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगर हमें मिल जाती है BMW की वो N सीरीज है। सो ये TT और DTT भी हम परचेज करेंगे, ज़रूर परचेज करेंगे। कितने 26 किया तो 23,000 की ऑफ़र करते हैं इसको। ओके तो इसको भी भेज देते हैं टो पे। ओके लेट्स सी, यहाँ पर तो नहीं है और कोई गाड़ी, एक वो लॉर्ड लोकस टाइप की है गाड़ी, इस तरफ देखते हैं अब। ये आई थिंक वो अगेन हमें वॉक्सवैगन टाइप की गाड़ी लग रही, नहीं ये नहीं है वो। ओके ये कौन सी है, फियाट पेंटा, ना ये नहीं लेनी हमने। और ये आई थिंक मर्सिडीज कूप है, ऑडी S5, ना ये भी नहीं लेनी। ओके सो आई थिंक इस मार्केट प्लेस में तो आज भी गाड़ी नहीं है। सो चलते हैं, चल के सोते हैं और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट डे। सो अनपेड बिल जो है वो हम पे करेंगे, बट एक ही टाइम जब हमें हमारी फेवरेट BMW जो गाड़ी नई इंट्रोड्यूस की गई अपडेट में वो मिलती है। सो चल के सोते हैं हम, फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग, और आज है 212th डे और ट्यूसडे है, और आज जो है वो मार्केट प्लेस ओपन है, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो हम सबसे पहले विजिट करेंगे अपने नेबरहुड को ही, और इस नेबरहुड में हमें कल एक सुपरा मिली थी इसी जगह पे, आज एक और सुपरा मिल गई है, तो डेफिनेटली ओहो ये 72,000 की। ओके इसको हम 60,000 तक ऑफर करते हैं, आई थिंक मिल गई, और इसको भी भेज देते हैं टो पे। सो लेट्स सी अब और क्या कोई हमें यहाँ पर अगर गाड़ी मिलती है तो स्पेशली दैट BMW, तो वहाँ पर भी एक गाड़ी खड़ी तो नज़र आ रही है, आई थिंक ये Z3A है और वो है सिविक, और इस साइड पे देखते हैं। ओके इस साइड पर ये है उंडे फंडा, ये लॉर्ड लोकस है, एंड यहाँ पे भी एक गाड़ी खड़ी तो है, लेट्स सी और होप कि ये गाड़ी, एंड ये कौन सी है, BMW कूप या मर्सिडीज कूप, BMW कूप है।
सो बिल्कुल भी डैमेज नहीं है। 1,27,000 भाई, इसको 1,00,000 में ले लेते हैं। ओके, 1,05,000, क्योंकि ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं है। ओके, तो इसको भी भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं रिपेयर पे, बाद में वहां से निकाल लेंगे आराम से हम। तो यहाँ पर और तो कोई गाड़ी नहीं है, तो अब वापस चलते हैं हम। तो ये इस साइड पे भी कोई गाड़ी खड़ी है? नहीं है, नहीं। ओके, अब चल के हम सोते हैं और मिलता हूँ, बल्कि अभी मिलता हूँ क्या, मैं अभी मार्केट प्लेस चलते हैं, तो मिलता हूँ मैं आपको मार्केट प्लेस पर। ओके, तो आ चुके हैं हम मार्केट प्लेस पर, और यहाँ पर देखते हैं अगर हमें हमारी जो BMW गाड़ी है वो मिलती है या नहीं। ये कौन सी है, सीरीज 1 है? नहीं, ये नहीं चाहिए। ये वॉक्सवैगन है, ये पोर्श, ये BMW सीरीज I think 1 है, I think 5 है। ओके, 5 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये फियाट है। और ये कौन सी है, ये ओके। सो गाइस, हमें अपनी दूसरी जो न्यू अपडेट की गाड़ी है वो मिल चुकी है, BMW N3, जो हमें मार्केट प्लेस से मिली है। 36,000 इसकी डिमांड है, तो मैं इसको 30,000 ऑफर करूंगा, क्योंकि ये 30% डैमेज है, 63% पेंटेड है। सो हमने इसको गेट कर लिया, अब इसी पे बैठ के हम चलते हैं। तो ये रही हमारी दूसरी गाड़ी जो कि न्यू अपडेट में रिलीज की गई है। इसको भी चल के हम मैक्स आउट करते हैं, और इसको हम कलर देंगे, कौन सा कलर दें, वाइट कलर इसको हम देंगे, वाइट कलर, ये प्योर वाइट कलर हम इसको रखेंगे। सबसे पहले इसको ट्यून कराते हैं और रिपेयर कराते हैं, यहाँ पर इसको लाकर खड़ा करते हैं और इसको रिपेयर करा लेते हैं पहले। सबसे पहले मैं इसी को रिपेयर करवाऊंगा, तो यहाँ पर क्लिक करके रिपेयर ऑल। ओके, यहाँ पर ये तो मेरे ख्याल में रिपेयर डैमेज नहीं है बिल्कुल भी, है ना? तो इसको टो पे भी नहीं भेज सकता मैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरी 2 सुप्रा खड़ी हैं और 1 ऑडी TT। तो सुप्रा को लगाएंगे हम अंदर जाके इधर, यहाँ पे ये हमारी सुप्रा की ये हो गई, ये इधर। तो ये हमारी देख लें कितनी, इस दौरान मैंने सुप्रा खरीदी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सुप्रा, 3 फरारी, 3 ऑडी TT, 1 लंबरगिनी। सो बल्कि एक ये भी है ना सुप्रा, तो ये भी, इसको भी उधर ही पार्क करते हैं। और एक मर्सिडीज कूप भी खरीदी है। सो इनको सबको मैं मैक्स आउट करूंगा, ऑफलाइन में करूंगा, क्योंकि फिर वेस्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग ही है, इसमें कोई ऐसा खास तो काम करना नहीं है, सिर्फ मुझे उनको मैक्स आउट करना है कि रिपेयर पहले सबसे करवाना है, फुली रिपेयर, फिर उसके बाद। ओके, तो ये आ गया हम। ओके जी, तो होपफुली जो गाड़ी है ऑडी TT, उसको भी ला के इधर पार्क करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पार्क करेंगे ऑडी TT को। तो ये आ गई हमारी ऑडी TT। इसी तरीके से हम जो मर्सिडीज ली है उसको भी यहीं पे लाके पार्क करेंगे। सो कलर मैंने सोचा है कि जो कलर है ना इसका, BMW का जो N3 है, इसको हम कलर जो कराएंगे वो होगा कौन सा कलर, कौन सा कलर से, वाइट, वाइट कलर कराएंगे उसको। इसको तो एज इट इज हम पार्क करेंगे ना। ओके, कम ऑन, इसको हम इधर पार्क करेंगे इस जगह ऑडी TT के साथ, क्योंकि यही एक स्पेस बची है। ओके, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा और बस। ओके, तो इसको हमने इधर पार्क कर दिया।
अब चल के हम करते हैं मैक्स आउट अपनी BMW N3 को। तो ये रही हमारी BMW जो अभी फुली रिपेयर हो चुकी है। अब जस्ट इसको पहले हमने वाइट पेंट कराना है, फिर इसको फुली मैक्स रेसिंग किट, ड्रिफ्ट किट, ESP, NOS, टर्बो सब कुछ लगवाना है इसको। उसके बाद इसका स्पीड टेस्ट करेंगे हम। ओके, यहाँ पे आ गई, तो इसको हमने वाइट कलर देना है। सो वाइट कलर ये होगा इस तरफ, इस तरफ, ये नहीं, ये वाला वाइट, ये वाइट है ना, ठीक है ठीक है, ये वाइट है। ओके, उसके बाद इसको पॉलिश थोड़ा सा, ये हाँ ये चीज अब अच्छी लग रही है ना, एंड थोड़ा सा इसको स्मूथनेस देते हैं, पॉलिश अब लग रही है ना, ये सिल्वर कलर की गाड़ी जब वॉश होगी तो सही मजा आएगा। ओके, यहाँ पे इसको पार्क करते हैं अब, और इसको हम जो है वो अब ट्यून कराते हैं फुली। तो रेसिंग किट लगा लेते हैं, इसमें ड्रिफ्ट किट ऑलरेडी है, TCS, टर्बो, नॉस, और इसका सस्पेंशन फुली डाउन कर देते हैं हम। इसका ये सस्पेंशन होगा, और लाइट इसकी ठीक है, प्लेट इसकी यस, PKG जोन, और टर्की की हम इसको नंबर प्लेट लगाएंगे। व्हील इसको हम लगाएंगे अच्छे वाले, ये इसको सूट कर रहे हैं, हाँ ये सूट कर रहे हैं इसको, ये वाले नहीं, ये अच्छे लग रहे हैं, तो ये लगा लेते हैं। तो हमारी ये जो गाड़ी है BMW N, ये मैक्स हो चुकी है। इसको जगह अब हम करते हैं जी टेस्ट। तो इसकी स्पीड टेस्ट करेंगे विद और विदाउट नॉस। ओके, कम ऑन कम ऑन, अरे ये किधर आके फंस गया है। लेट्स सी, मे बी वो इसको एक्सेप्ट कर ले इसी पर। एंटर, अरे क्या कह रहा है, यू हैव टू पार्क योर कार ऑन द टॉप। अरे यार अब इसका क्या करें, इसको टो पे भेजते हैं, अब मुझे पैदल जाना पड़ेगा, पता नहीं ये क्यों स्टक कर गया। चले मैं आपको मिलता हूँ ट्रैक पर। तो मैं इसके लिए जो सिलेक्ट किया वो फॉरेस्ट ट्रैक किया। ओके, तो आ चुके हैं हम फॉरेस्ट ट्रैक पर। अब यहाँ पर हम इसको बगैर नॉस के पहले दौड़ाते हैं। देयर वी गो, फाइव पॉइंट टू सेकेंड में इसने 0 to 100 किया, और इसकी जो वैसे इसका कंट्रोल अच्छा है अभी तक, एज कंपेयर टू वो जो दूसरी वॉक्स टाइप है। उसकी टॉप स्पीड 275 थी, ये तो अभी 238। फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर है इसमें। आई थिंक ये स्पोर्ट्स कार नहीं है ना, ना ही सुपर कार है, तो इसलिए इसके चार ही गियर होंगे। और जो हालात नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है ये भी 275 ही करेगी। नहीं नहीं ऊपर जा रही है, नहीं 275। सो जो दोनों गाड़ियां हैं ना जो न्यू इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, उन दोनों की जो स्पीड है ना वो 275 है। तो इट मींस कि ये ना ही स्पोर्ट्स कार हैं और ना ही रेयर कार हैं, तो जस्ट ये न्यू अपडेट में इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। तो अब इसको हम विद नॉस चेक करेंगे। नॉस, ओके, 4.6 सेकंड में इसने 0 to 100 किया, और मैक्स स्पीड तो 275 ही रहेगी आई एम श्योर। हाँ,
मैक्स स्पीड इसकी 275 है, चाहे आप नॉस यूज करें या नॉस ना यूज करें। मतलब इसमें ये नॉस वगैरह सिर्फ पिक करने के लिए ठीक है, बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, दोनों गाड़ियां जो न्यू इंट्रोड्यूस करेंगे सेम उनकी स्पीड है विद विदाउट नॉस, बस फर्क नॉस फर्क सिर्फ ये है कि वो जो है वो 0 to 100 अराउंड अबाउट 8-9 सेकंड्स में करती है, और इसने पहले विदाउट नॉस 5 सेकंड में किया, विद नॉस जो है 4.6 सेकंड में। सो मिलता हूं मैं अब आपको अपने ऑफिस में। सो हम वापस आ चुके हैं, तो इसको लेके चलते हैं अभी वापस हम। एक तो जब वापस आओ तो ये साउंड भी इसकी बंद हो जाती है, तो इसको लेके चलते हैं ऑफिस में। अब इसको यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ फिलहाल, तो मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा कि मुझे ये दोनों गाड़ियाँ जो ये जो है अपना क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं इसको, BMW और ये जो है फॉक्स वैगन, ये वाली गूफी कार, ये मुझे सेल करनी चाहिए या इनको कलेक्शन में ही रखना चाहिए और न्यू वीडियोस जो हैं वो इनको बगैर सेल किए बनानी चाहिए। तो मैं ज़रा थोड़ा सा ना इनको एडजस्ट कर लूँ, गाड़ियों को क्लोज कर लूँ मैं इनको, ताकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस बचे गाड़ी पार्क करने की। ओके तो इसको वाइट कलर करवाने की भी एक खास रीजन थी, क्योंकि यस्टरडे मतलब 14 अगस्त था, इंडिपेंडेंस डे था, तो उसके लिए मैंने कहा था कि जो दो गाड़ियां होंगी उनको वाइट, और दोनों गाड़ियों को मैं ग्रीन और वाइट कलर करवाऊंगा। तो ये देख सकते हैं आप कि ये जो मेरी गूफी कार है जो हमने प्रीवियसली फाइंड की थी, उसका कलर ग्रीन है, ऑल्दो पैरट ग्रीन टाइप है, प्योर ग्रीन नहीं मैंने रखा, बट स्टिल ग्रीन है, और इसका कलर हमने रखा है वाइट, ये गाड़ी वाइट कलर की। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी एज वेल टू 14th अगस्त एज वेल एज टू 15th अगस्त, तो सब लोगों को जिन जिन का इंडिपेंडेंस डे उनको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो इसी बात के साथ मैं अपनी इस गेम प्ले को यहीं पर ख़त्म करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये गेम प्ले पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली गेम प्ले की वीडियोज़ आपको उनकी अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक गेम प्ले का डेमो या प्रोलॉग वगैरह अगर देखना चाह रहे हैं मेरे चैनल पर, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा लैपटॉप इसको सपोर्ट करता हुआ अच्छे तरीके से, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट आउट। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस गेम प्ले, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।